Hi guys, the boy is back to again with a new video. तो आज मैं बात करूंगा KTM Duke 790 इंडिया में क्यों डिसकंटिन्यू हो चुकी है ये बाइक अभी के बाद मतलब 17 तारीख के बाद 17-18 तारीख के बाद ये मैन्युफैक्चर नहीं हो रही है डिसकंटिन्यू हो चुकी है बाइक इंडिया में जिसके कुछ रीजन बताऊंगा गाइस क्यों डिसकंटिन्यू हो चुकी है अभी KTM के शोरूम में एक दो शोरूम में अवेलेबल है ये तो शोरूम में अवेलेबल हो फिर भी जाके देखना देख लो फिर मत लेना बाइक उसके रीजन भी बताऊंगा गाइस क्या क्या रीजन है तो ये नेगेटिव पॉइंट थोड़े मतलब नेगेटिव पॉइंट है गाइस ये तो थोड़ा एडजस्टमेंट करना पॉजिटिव पॉइंट का भी बताऊंगा उस दिन तो गाइस ये इंडिया में क्यों चली मेन मुद्दा पोस्ट में हम लोग गए थे लॉन्च के दिन तो लॉन्च के दिन गाइस ये बाइक बहुत फॉलो थी क्योंकि लॉन्च के टाइम पे डुक 390 आज मनी थी वो टाइम पे ठीक है उसमें आरसी आए थे आरसी BS4 लाए थे तब BS6 ने निकली नहीं थी तो लाए थे वाले फोन लॉन्च में फिर हम लोग वीडियो बनाने गए थे गाइस शोरूम में KTM के शोरूम में तब हम लोग ने गाइस पूरा नोटिस किया मैंने फुल नोटिस किया बारिश के बाइक पर बताऊंगा फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस जो ये रोमर्स था तो 390 का हैंडल बार 790 में पुट किया गया अरे दूर तू पागल है यार मतलब जो यूट्यूबर ने ऐसा बोले ना मन लोग कौन तुम लोग पागल हो गया 390 का हैंडल 790 में क्यों पुट करेंगे पहली बात तो ये गाइस हैंडल क्यों पुट करेंगे वो बात इसका वेट रेशियो अलग है उसका पावर रेशियो अलग है हैंडल एडजस्ट भी नहीं हो पाएगा उसको 790 का पावर तो गाइस एकदम अलग है हाँ ये बोल सकता हूँ गाइस के अंदर स्विच इसका प्लास्टिक प्लास्टिक के स्विच है स्विच के सब उसमें 390 का डाले अपडेट करके टिप टू डिस्प्ले LED लाइट्स LO और उसका आगे DRL लाइट पूरा सब 390 का ही है 390 का पोर्ट है बस थोड़ा लॉन्ग कर चुके हैं लाइट्स को पूरा सेम टू सेम है आप आगे से देखोगे कैसे लगेगा आपको पीछे से देखोगे कि आपको लग रहा है 390 है तो डुक 215 है तो अभी डुक 200 लगती है पर आप जाओगे एक्सोसोर देखोगे साइड से तो आपको अलग लगेगा तो गाइस ये बहुत मेन मुद्दा था इंडिया में नहीं चलने का क्योंकि गाइस प्राइसिंग इतनी ज़्यादा ले रहेगा इतने में आपको Kawasaki Z900 और सेकंड में जाओगे तो आपको अच्छी खासी बाइक मिल जाएगी 1000cc की और जिसका 750 CBR650 सब बाइक आती थी तो गाइस ये बहुत ज़्यादा KTM एक मतलब एक फन टू राइड बाइक है उसमें उसका मेंटेनेंस का थोड़ा मतलब इंजन में थोड़ा इशू रहता है कभी कभी कुछ काम निकल जाता है इंजन में तो ये रीजन था गाइस तो गाइस ये इंडिया में नहीं चलने वाली थी पहले रीजन था दूसरा रीजन ये था गाइस जिसने किसके बने 600 आई रही उसको बता रहेगा गाइस और जिसका नहीं थी उसको पता नहीं रहेगा क्योंकि जो पीछे बैठा था बंटा 600 आई में उसका जो लाउड एग्जॉस्ट पूरा भराता था उसमें हीटिंग आपको पैर पे पिलियंस के टायर पे और बम्प पे पड़ती थी गाइस हीट फिर 790 का भी वही हाल था तो ये सेकंड रीजन ये था गाइस तो ये सिंगल राइडर के लिए बनी गाइस सिंगल जो अकेले चला पीलियन के लिए नॉट कंफर्टेबल भी नहीं ऊपर से ये एग्जॉस्ट भी बाइक में चिटका हुआ एकदम बाजू में सही हीट भी आ जाएगी तो ये गाइस बहुत बेकार लगा बहुत बेकार तो ये सेकंड पॉइंट ये था और गाइस प्राइस थोड़ा हाई था पर फ्यूचर्स वाइज तो सही फ्यूचर्स में आपने देखा था TFT डिस्प्ले अंदर आपको टेस्टिंग कंट्रोल मिलता है आपको कॉर्नरिंग IBS मिलता है आपको बहुत सारे सुपर मोटो मोड्स VD कंट्रोल मोड बहुत सारे आपको मोड मिलते जो आप नॉर्मल 700-800 की बाइक में आप तक कभी भी कंपेयर करोगे गाइस Kawasaki Z900 अभी उसमें दिया है थोड़ा पर पहले था CBR650R हो गई बनी 600 एकदम टोटली खाली रॉ पावर दे लिया कुछ कंट्रोल्स नहीं दिया उसके अंदर सब बाइक से गाइस ये सब मैं कुछ सही नहीं तो 790 बहुत बड़ी मतलब इसने बहुत बड़ा की थी मतलब वो ये टाइम पे अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स एकदम कम सीसी में दिए सब सीसी सब R1 BMW के में मिलता है सब किफ शिफ्टर तो गाइस ये सब हाँ ये भी बोलते थे भाई 390 किफ शिफ्टर डाला है इसके अंदर गाइस 390 किफ शिफ्टर एकदम बकवास है मैं बोलता हूँ मैं जो है 790 किफ शिफ्टर पूरा अलग है टोटली अलग है तो गाइस ये सब छोटे छोटे पॉइंट है गाइस और मैं अभी बात करता हूँ मैं डिस्प्ले में वो जो गाड़ी है 790 अवेलेबल है शोरूम में वो क्यों नहीं लेनी चाहिए गाइस मेन रीजन गाइस ये था आपको 790 आप ले रहे हो आपके ध्यान रखना गाइस उसके पार्ट्स अवेलेबल आपको नहीं मिलने वाले क्योंकि ये सेकेंड हैंड मार्केट में अब तक ये पॉपुलर बाइक नहीं है इसका खाली नाम पॉपुलर है 790 पर अब तक ये किसी के रोड प्रेजेंस ने किसी ने भी लिया नहीं है अब तक सब लोगों ने रिव्यू किया तो शोरूम में जाके रिव्यू किए कोई भी बंदा ओनरशिप का कोई वीडियो डाला नहीं अभी तक भी मुंबई में बात करो दिल्ली का पता नहीं मुंबई में अब तक कोई डाला नहीं ओनरशिप का रिव्यू भी और बहुत कम जन के बाद एक दो रहेंगी 790 मगर बहुत कम है यूजर्स बेंगली सीजन देखेंगे Kawasaki की 650 रेंज है उसके बहुत सारे लोग ने ली है पर ये बाइक बहुत कम जन ने ली है तो क्या इसके पार्ट्स अवेलेबल नहीं है डाले सर ये बाइक मतलब टोटली फ्लॉप हो गई इंडिया में ये समझ लो टोटली फ्लॉप हो गई इसके ऐसे चली नहीं है हायाबुसा भी डिसकंटिन्यू हुई है पर वो न्यू मॉडल निकलेगा इसके ऐसे हुई हो मॉडल बंद करने के उसका रीजन अलग है तो ये हो गया गाइस आप हाँ आपको पार्ट आपको मतलब पार्ट्स का कुछ इशू नहीं है आप रुक सकते हो सपोज उसका कुछ LED लाइट्स खराब हो जाए LED लाइट 390 का पुट कर सकते हो पर बल्ब थोड़े लो वोल्टेज करेंगे पुट कर सकते हो उसके अंदर भी और सपोज आपका 790 का टैंक का जो साइड का हो रहा है वो खराब हो गया स्लाइड्स
तो आपको रुकना पड़ेगा क्या कंपनी सेंटर प्रोवाइड करके KTM के आएगी, फिर जापान से यहाँ आया जगह के मतलब पूरा शिपिंग करते 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 यहाँ पे आएगा, फिर पार्ट भी आपको दिया जाएगा, आपको प्रोडक्ट करेगा। उसकी कॉस्ट आराम से 40-50-60-80 हज़ार रहेगी, तो गाइस बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा रहे। और सर्विस कॉस्ट भी नॉर्मल बाइक से ज़्यादा ही है, इटालियन बाइक से। तो गाइस ये रीजन है गाइस जो मेरे को वो, हाँ बाइक अच्छी है मैं मानता हूँ गाइस, बाइक टोटली बहुत फन टू राइड है गाइस, अलग ही बाइक है, फुल फन मशीन है गाइस। स्टिक टेबल RS के बाद यही है, मतलब वो तो अलग है ब्रिटिश कंपनी, तो 790 गाइस बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मतलब आपको लगता है 100 पावर दिया है, 100 पावर क्या है, नॉर्मल सब में दिया था, उसे ही जेड में ज़्यादा पावर दिया। तो अब हैंडल्स बाइक का आप पर डिपेंड करता रहो गाइस, हैंडल कंट्रोल्स एंड पिकअप इनिशियल पिकअप्स गाइस बहुत ज़्यादा है, एक्सेलरेशन सब बाइक में भरा हुआ है गाइस। KTM कोई भी बाइक में आपको यही उस तीन चीज में KTM फेमस है गाइस, हैंडलिंग कंट्रोल्स ब्रेक्स, ब्रेक्स पूछो बहुत अच्छे गाइस, ब्रेक्स और फर्स्ट गियर गियर एक्सेलरेशन, इसके से KTM बिकती है। बाकी ये लॉन्ग टर्म वाली बाइक नहीं है, मतलब बुलेट ऐसी 25-30 साल 20 साल 30 साल की ऐसी बाइक नहीं है, यामा की भी रह सकती है, होंडा की भी रह सकती है आपके साथ 10-15-18 साल मतलब 11 साल की यूज के ऊपर। तो ये वीडियो आप एंड करते हैं गाइस, आपको सब इन्फॉर्मेशन देखिए थोड़ा सही लगा तो किसको लाइक करना, और अच्छा नहीं लगा तो बताना गाइस क्या इम्प्रूव करूँ मैं, ठीक है। तो वीडियो पे एंड करते हैं गाइस, और किसी ने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया मेरे को जाके रोहित शाह करके नीचे आईडी रहेगी, डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना गाइस रोहित शाह करके आईडी, और आगे और वीडियो आएगी गाइस। तो आई होप यू लाइक वीडियो, सब्सक्राइब टू रोहित शाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।